अक्सर लोगों को लगता है कि कम कीमत में केवल सिंपल फीचर वाला स्मार्टफोन ही मार्केट में मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मार्केट में आपको प्रीमियम रेंज में नहीं बल्कि बजट रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें शानदार बैटरी मिल जाती है, पावरफुल परफॉर्मेंस मिल जाती है और कैमरा क्वालिटी भी ठीक होती है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन मार्केट में मौजूद कुछ बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे जिनकी कीमत 8,000 रुपए से कम है। तो चलिए बात करते हैं हम इन स्मार्टफोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक की, तो वहां पे आता है रियलमी का C11। रियलमी C11 को कुछ समय पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया और इस स्मार्टफोन में 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें खास फीचर के तौर पर इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी मिलती है और फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 13MP का फर्स्ट कैमरा है, 2MP का सेकंड कैमरा है। और अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर लेस है और आप इसे रिच ग्रीन और रिच ग्रे कलर दो ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। और रियलमी C11 की जो प्राइस है वो है 7,499 रुपये। अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वन की, तो वो आ जाती है रेडमी का 8A डुअल। रेडमी 8A डुअल की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो रेडमी 8A डुअल 7,499 रुपये में आपको मिल जाता है। और अगर आप कम कीमत में बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो उसके लिए रेडमी 8A डुअल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस स्मार्टफोन में गूगल लेंस के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 13MP का AI प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया, जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर से लैस है और इसमें आपको 5000mAh की बैटरी भी मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड ऑप्शंस की या थर्ड फोन की, तो वो आता है सैमसंग गैलेक्सी M01। सैमसंग गैलेक्सी M01 भी कम कीमत में एक अच्छा ऑप्शन है। इस स्मार्टफोन में आपको 5.71 इंच का डिस्प्ले मिलता है और स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन के अंदर आपको 13MP का फर्स्ट और 2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। सेल्फी के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है और इस फोन को आप ब्लैक, ब्लू और रेड तीन कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी M01 की जो प्राइसिंग है वो है 7,999 रुपये। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट वन की, तो वो आ जाता है Tecno Spark 6 Air। Tecno Spark 6 Air में आपको 720x1640 पिक्सल के साथ 7 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है और ये स्मार्टफोन मीडियाटेक हीलियो A22 प्रोसेसर पे काम करता है। फोन के अंदर आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि रियर में 2 कैमरे मौजूद है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का, जबकि दूसरा जो सेंसर है वो 2MP का है। और पावर बैकअप के लिए इस टेक्नो स्पार्क 6 एयर के अंदर आपको 6000mAh की बहुत बड़ी दमदार बैटरी देखने को मिलती है, जो कि बेस्ट बैटरी बैकअप देती है। दोस्तों, ये हैं वो चार डिवाइसेस जो मिल जाते हैं 8,000 रुपये से कम की रेंज में, जो कि एक बेस्ट चार डिवाइसेस हैं 8,000 रुपये से कम की रेंज में आने वाले।